सीएम वीरभद्र सिंह द्वारा भाजपा नेताओं को लेकर दिए गए बयान के बाद राजनीति गरमाने लगी है। सीएम वीरभद्र सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश भाजपा के सचिव प्रवीण शर्मा ने कहा कि कौन किसकी कब्रें खोदता है यह भविष्य ही बताएगा। बता दें कि सीएम वीरभद्र सिंह ने पिछले कल मंडी में आयोजित युवा कांग्रेस के संकल्प शिविर के दौरान कहा था कि जिस दिन वॉरिया हो जाएंगे उस दिन भाजपा वाले अपनी कब्र खोदेंगे। इसके जवाब में भाजपा ने भी मोर्चा संभाल लिया है। प्रदेश भाजपा के सचिव प्रवीण शर्मा ने कहा कि सीएम वीरभद्र सिंह ने भ्रष्टाचार के जो अपराध किए हैं उन्हें देखकर इस जन्म में तो बरी होना तो असंभव नहीं लग रहा है, लेकिन बंदी होना जरूर संभव लग रहा है। मुख्यमंत्री जी का यह बयान निश्चित रूप से हास्यास्पद है कि वो रिहा होने के पश्चात से भाजपाइयों की कब्रें खोदेंगे। कब्रें खोदना या ना खोदना ये तो भगवान के हाथ में है और भविष्य के हाथ में है, पर जिस तरह से उन्होंने कृत्य की हैं, जिस तरह से उन्होंने अपराध किए हैं, जिस तरह से उन्होंने पाप किए हैं, उनका बंदी होना निश्चित है, वो उनका बरी होना बहुत मुश्किल है। प्रवीण शर्मा ने कहा कि सीएम वीरभद्र सिंह से व्यक्तिगत तौर पर कोई नहीं डरता, डर उनके कारनामों से लगता है और प्रदेश का प्रत्येक नागरिक उनके इन कारनामों से डरता है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति पर 50,000 का कर्जा सीएम वीरभद्र सिंह ने लाद दिया है और ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति अब डर के साए में जीने का मजबूर हो गया है। वीरभद्र जी ने ये कहा कि भाजपा के लोग उनसे डरते हैं, न केवल भाजपा बल्कि हिमाचल प्रदेश का हर वो व्यक्ति वीरभद्र जी से डरता है जो हिमाचल प्रदेश से प्यार करता है। ये वीरभद्र जी हैं जिनकी वजह से हिमाचल प्रदेश आज 48,000 करोड़ रुपए के कर्जे के नीचे डूबा हुआ है। ये वीरभद्र जी हैं जिनकी वजह से आज पूरे प्रदेश के अंदर माफिया राज है। ये वीरभद्र जी हैं जिसकी वजह से आज बेरोजगार लोगों को योग्यता के आधार पर ना नौकरी मिलकर भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के ऊपर नौकरी मिल रही है। जब तक वीरभद्र जी इस प्रदेश की सत्ता में काबिज रहेंगे तब तक हिमाचल प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति उनसे डरता रहेगा। व्यक्तिगत रूप से ना भाजपा का कोई कार्यकर्ता वीरभद्र जी से डरता है, पर हाँ उनके कृत्यों से हिमाचल प्रदेश का हर व्यक्ति जरूर उनसे डरता है। बता दें कि सीएम वीरभद्र सिंह द्वारा भाजपा नेताओं को लेकर दिए गए बयान के बाद राजनीति गरमाने लगी है। सीएम वीरभद्र सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश भाजपा के सचिव प्रवीण शर्मा ने कहा कि कौन किसकी कब्रें खोदता है यह भविष्य ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी।